नमस्कार दोस्तों, आई एम भोपाल की फुर्सत के भोपाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ये बड़ा दिन है क्योंकि आज ध्रुपद गुरुकुल में उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा साहब के जो शागिर्द हैं और जिन्होंने अपने पिता से जो संस्कार सीखा था गुरु से, उसको एक नई ऊँचाइयाँ प्रदान की और आज वे ध्रुपद गुरुकुल में ध्रुपद संस्थान में बच्चों से रूबरू हुए। और आइए हम आज उनसे जानते हैं, जाकिर भाई से, कि कैसे वो एनर्जी है, क्या उनका वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि कल वो पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करते हैं और घर भी नहीं जाते और सीधे फ्लाई करके भोपाल आ जाते हैं और कंटिन्यूसली 9 मार्च को उनका जन्मदिन भी है तो लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये एनर्जी, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और जिसे कहें कि ये नई ऊर्जा कहाँ से लाते हैं। और उनको मुगले आजम फिल्म में यंग सलीम का रोल भी ऑफर हुआ था दिलीप साहब का। तो हमारे साथ जाकिर भाई हैं, आइए हम जाकिर भाई से जानते हैं उनकी ज़िंदगी और उनके करियर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ये ज़रूरी जगह है हमारे संगीत को जीवित रखने के लिए और हमारे संगीत की नींव जो है वो ध्रुपद हमारी है। और बाद में जो इसमें उन्नति हुई है वो अलग बात है, लेकिन अगर नींव अगर मजबूत हो तो फिर उस पर आप कितनी भी लंबी चौड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जी। तो ये जो जगह है, इसको देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसमें लगा दी जी और ऐसी सेवा में लीन है। तो इस जगह पे आके तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी संगीत के मंदिर में आए हुए हैं और हर जगह से सरस्वती बोल रही है। तो 9 मार्च को आपका जन्मदिन, क्या एनर्जी है कि पृथ्वी थिएटर में कल आपने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी और घर जाए सीधे यहाँ आ गए और दिन भर नहीं गए, घर भी नहीं गए एयरपोर्ट। और ये एनर्जी क्या है, जादू क्या, राज पूरी दुनिया जानना चाहती है। वाह उस्ताद, लोगों का प्यार है। एंड यू आर लुकिंग द मोस्ट फ्रेश फ्रेश लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है। आप लोगों ने, मतलब मैं कल किसी से यही कह रहा था हॉल में कि ये जो एनर्जी मिलती है लोगों के साथ बजा के जी, जो कलाकार आपस में मिलते हैं उनको देख के, उनकी आँखों से आँखें मिला के जब वो मुस्कुराते हैं तो एक दिल में एक अच्छी सी एक खुशी पैदा होती है। और जब ऑडियंस वाह वाह करती है या खुश होती है तो मतलब उससे एनर्जी मिलती है। हम चाहे कितने भी थके हुए स्टेज पे बैठे हैं, जब बजा के उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। अब्बा जी ने कहा था क्रिकेट और जो एक तबले में, क्या वो कॉम्बिनेशन है जो आपको मना कर देता क्रिकेट खेलने से? नहीं, वो क्रिकेट का प्रॉब्लम यही था कि उंगली वगैरह टूट जाती है तो मेरी ये उंगली टूट गई थी क्रिकेट खेलते हुए जी जी। तो उसके बाद से फिर बैन हो गया, वीज़ा निकाल लिया उन्होंने। 100 का नोट दिया था, वो आपने लंदन में कहीं शेयर किया था, बड़ा अमेजिंग वो 100 का नोट आपके परफॉर्मेंस, क्या था मोमेंट वो? नहीं, वो 100 का नोट मुझे उस्ताद, मैं क्या हुआ, एक बार मैं पिताजी के साथ गया किसी कार्यक्रम में जी। तो कार्यक्रम में वो जाके बैठे तो वो प्रेस कोर के लिए प्रोग्राम हुआ था जी जी। तो उसमें उस्ताद अली अकबर खान साहब का प्रोग्राम था तो पिताजी साथ में गए तो मैं गया था सुनने के लिए। तो उन्होंने तबला वबला मिलाया और रखा और जब बजाने का समय आया तो मुझसे कहा कि तुम बैठो बजाओ जी। वो तब मैं 12 या 12.5 साल का था जी। तो उस वक्त मतलब मेरी जो शुरुआत है प्रोफेशनल करियर की वहाँ से हुई जी। ये कमाल है कि जब मैं 7 साल का था तब मेरी पहली संगत की शुरुआत भी उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ हुई। मैं 20 मिनट उनके साथ बजाया और जब मैं प्रोफेशनल शुरुआत हुई तो वो भी उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ हुई। उस दिन मैं बैठा उनके साथ बजाया पूरा प्रोग्राम और उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया जी। तो वो ये 100 रुपया जो है वो आज मतलब वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा है, बिल्कुल वो अभी भी रखा हुआ है जी। और वो अभी वो मतलब चलता भी नहीं है लेकिन पेरेंट्स के लिए अभी क्या मैसेज है, पेरेंट्स आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो जानते हैं कि बच्चों को क्या कहना चाहिए, अपनी जो सोच है उसका बोझ बच्चों पे ना डालें। बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है। बच्चों को, बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, जो हम 20 साल की उम्र में सीखे थे उससे 10 गुना ज़्यादा आज के बच्चे 20 साल की उम्र में सीख लेते हैं। वाह, उनको इतना अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो हम उनको बताएं ये तो इम्पॉसिबल है, वो हमको बता सकते हैं ये पॉसिबल है। तो मतलब तो माता पिता जो भी हैं उनको ये चाहिए कि बच्चों को जो उनका दिमाग खुल रहा है, जो वो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं और उससे उनको एक एक
क्या कहते हैं उत्साह बढ़ रहा है उनके दिल में आगे बढ़ने के लिए, उसको रोकने की कोशिश ना करें सिर्फ इसलिए कि आपके मन में ये है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या, लेकिन आजकल के तो पेरेंट्स अलग हो गए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जाके वो क्या बोलते हैं रियलिटी शो में गाना गा के जीते हैं या क्रिकेट खेलें या स्टार बन जाएँ। सो इट्स अ डिफरेंट चेंज। तो ये जो जनरेशन के हिसाब से चेंजेस आते जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पेरेंट्स उसके साथ चेंज होते चले जाएंगे। आपने स्टार की बात की, मुगले आजम फिल्म में आपको यंग सलीम का रोल ऑफर हुआ था। हाँ जी, क्या था वो, क्या वाकया था? नहीं, वाकया यही था कि मैं वहाँ मोहन स्टूडियो में वो शीश महल लगा हुआ था और वो प्यार किया तो डर लगा की शूटिंग हो रही थी, और तो मुझे वो के आसिफ जो थे हमारे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे जी, तो उनसे ही उनको तो खैर मतलब हमारे पिताजी के एक मैन फ्राइडे हुआ करते थे जी, शौकत उनका नाम था, तो वो मुझे ले गए तो दिलीप साहब से मिलवाया, आसिफ साहब से मिलवाया, दिलीप साहब ने मुझे देखा ऐसे ऐसे किया सब वो सब हुआ, फिर दिलीप साहब ने सिर्फ आसिफ साहब को देख के यही कहा कि ठीक है तो मतलब हो गया। तो अब फिर आसिफ साहब ने मेरे फादर से बात की कि भाई वो जाकिर को, तो वो बड़े नाराज़ हो गए, बोले नहीं नहीं वो ये नहीं हो सकता, वो तो तबला बजाएगा जी, उसको एक्टर थोड़ी बनना है। तो वहीं से वो मेरा मतलब वो फिल्म में जो एडिटिंग होती है वो फिल्म तक गई नहीं, वो पहले ही एडिटिंग हो गई। जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं किसको सुनना पसंद करता हूँ? ऐसे तो बहुत डिपेंड करता है कि क्या क्या है, लेकिन मैं ज़्यादातर फोक म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। उसमें हमारी धरती की दुनिया भर का फोक, हाँ दुनिया भर का, वो जो उस धरती की उस जगह की उस प्रांत की जो जो भाषा है, जो आवाज़ है, जो मिलनसारी है, जो प्यार मोहब्बत उसमें भरी हुई है, वो सब नज़र आती है। और मेरे ख़्याल से हम फोक म्यूज़िक से हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। वाह। और इसका कारण यही है कि पुराने उस्तादों ने गुरुओं ने उसको सुना और उसको क्लासिकल म्यूज़िक में ले आए। जाकिर, भारत भवन में आप कला के मंदिर परफॉर्म करना है, दुनिया भर में एक बड़ा स्टेज है, क्या कहना चाहेंगे भारत भवन, क्योंकि अपने आप में एक इट्स लाइक अ टेम्पल। भारत भवन, भारत पहले तो नाम ही देखिए ना जी, हाँ जी। तो हमारे मतलब भारत भवन जो है एक पहले तो ओरिजिनल जगह है जहाँ ये सोच कर रखा गया था कि ये कला का एक महल होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब एक नई बात थी। बिल्कुल थी। और तो वो अभी तक यही है। और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो ऐसा लगा कि भाई ऐसे लोगों के बीच में मैं आया हूँ जिनको फिक्र है कि कला हमारी जीवित रहे। तो नेचुरली हमको उससे इंस्पिरेशन मिलता है और हम खुश होते हैं कि चलिए हमको भी याद किया कि इसमें आके हम भी अपनी सेवा करें। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा साहब के सुपुर्द और जाने वाले तबला नवाज पद्मश्री, और वो आज भी अपने आप को शागिर्द कहलाना पसंद करते हैं, जो उनके गुरु उनके उस्ताद ने जो तालीम दी थी। और जैसा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक्य शेयर किए और उन्होंने कहा कि मेरी एनर्जी का राज मेरे वो जो श्रोता हैं जो म्यूज़िक को प्यार करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को। तो अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।